ऑल राइट, आज हमने क्या करना है? लेट मी गिव यू द प्लान। अच्छा, आज हमने ये काम करना है क्या? हाउ टू रीच द हाईएस्ट लेवल ग्रेडिंग वाइल अचीविंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। वी लर्न दैट कि जब आप बिजनेस में आंसर देते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द हिडन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स विच आर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उनको अचीव करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो हम सिर्फ आंसर लिखने पे ध्यान देते हैं कि बस लिख दें, लंबा आंसर लिख देंगे, नॉलेज शो कर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। दिस इज हाउ यू वुड गेट मार्क्स बट यू वोंट बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो हम आज पहले ये देखने लगे कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे लिए जाएंगे और आपको क्या करना है, एग्जामिनर क्या जो है ना वो व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर बेसिकली। और फिर हम कैंडिडेट रिस्पॉन्स की तरफ भी जाएंगे, तो इट माइट टेक टू क्लासेस और मे बी मोर देन दैट, लेकिन मेरा फोकस पहले इसी पे, एंड देन वील बी डूइंग पास्ट पेपर क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें पहले हम चीज समझ रहे हैं कि मैंने आपके सामने ये मुख्तलिफ पेपर भी, यहाँ ये टेबल को हम गौर करते हैं। आई विल शेयर इट लेटर इन द ग्रुप एज वेल, या बल्कि इंस्टा पे डाल दूंगा। ओके, अब इसमें हमें ये देखना है। अब ऑफकोर्स एएससी क्लास है तो हम सिर्फ P1 और P2 की बात करेंगे, P3 और P4 की नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर गौर करें तो मैं साथ साथ आपको पेपर भी दिखाता जाता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चलता जाए। जस्ट ए मिनट, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज पेपर 1 जो आपको करना होता है, राइट? अच्छा, अब इस पेपर में हम अगर क्वेश्चन देखें, सबसे पहला तो हमें नजर आ रहा है डिफाइन द टर्म सेकेंडरी रिसर्च। 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 नंबर नॉलेज के हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है देर आर मेनी लेवल्स ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। तो आई एम टेलिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये आखिर में ही बताना बनता था, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दैट इन योर एग्जाम्स एज वेल। और मुझे नहीं पता बाकी और कौन बता रहा है ये, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आपने याद रखना है कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो डिफाइन से शुरू हो रहा है, इसमें नॉलेज चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है, लेकिन कौन सी नॉलेज, कितनी नॉलेज आपने करनी है। इसमें आपको लेवल 1 नॉलेज चाहिए होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आपको यहाँ पे 2 नंबर किस चीज के हैं? नॉलेज के। मैं लिख देता हूँ, 2 मार्क्स आर फॉर नॉलेज, फाइन, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या रिक्वायर्ड है? लेवल 1 नॉलेज। अब सवाल ये आ गया कि ये लेवल 1 नॉलेज क्या होता है जिसमें हमें 2 नंबर मिलेंगे। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ नॉलेज के 2 नंबर हैं, और नॉलेज कौन सा चाहिए? लेवल 1। अब आप ये देख लें कि लेवल 1 नॉलेज क्या है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। लेवल 1 नॉलेज कुछ इस तरह का होता है, मैं लेट मी शो इट यू कि वो क्या है। लेवल 1 नॉलेज, लेवल 1 नॉलेज ये है कि आप डिफाइनिंग अ कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, वो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टर्म है, जल्दी लिखूंगा, राइटिंग थोड़ी सी खराब आएगी, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। डिफाइनिंग अ बिजनेस कॉन्सेप्ट और टर्म, अगर आप डिफाइन करेंगे अच्छे से, आपको लेवल 1 नॉलेज के नंबर मिल जाएंगे। लेवल 1 नॉलेज शो हो जाएगा, नंबर को तो छोड़ ही दें, ठीक है। एक ये तरीका है। एक तरीका क्या है, फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिया आपने, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स अगेन फ्रॉम। अच्छा, ये दोनों चीजें आपको कहां से मिल रही हैं? ये मिल रही हैं दोनों चीजें फ्रॉम द सिलेबस जो आपने लर्न किया हुआ है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देने लगा हूं। जैसे मैं क्या करता हूं, अब मैंने आपको ये चीज लिख तो दी है। अच्छा, मैं लेवल 1 के बारे में बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे भी बाद में आता हूँ। लेवल 1 क्या होता है, डिफाइन करना होता है, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लेवल 1 नॉलेज की। वो ये आ गया, ओके, ऑल राइट। लेवल 1 नॉलेज क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ कि लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या सवाल क्या है कि जी, सवाल है कि हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। मैं ऐसे आपको सिर्फ समझाने के लिए
एक छोटा सा क्वेश्चन दिए, हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो आपने क्या किया, आप प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आपने लिखी है प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, तो ये आउटपुट लिख, ये लेवल वन है। अच्छा, आप अगर चाहो फॉर्मूला आपने अगर लिख दिया आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये भी ठीक है। अच्छा, ये आउटपुट से मुराद क्या है, प्रोडक्ट्स है ना कोई, इनपुट से मुराद क्या है, लेबर कैपिटल कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं ऊपर लिखता हूँ आउटपुट और नीचे में लिख देता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स, हो सकता है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मशीन भी हो सकता है, क्योंकि तो प्रोडक्टिविटी तो किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हो सकती है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है ना जी। तो आप अगर फार्मूला शो करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, आपको क्या होगा जी, लेवल वन नॉलेज शो हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये लिख देता हूँ आगे इसी तरह से कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये है लेवल वन नॉलेज, लेवल वन नॉलेज। अच्छा, अब एक और तरीका है लेवल वन को शो करने का, मैं टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी लिखा तो मैं लिखता हूं कि वन वे इज टू इंट्रोड्यूस पीस रेट। मैंने क्या किया, मैंने एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को मेंशन किया कि प्रोडक्टिविटी इससे दूर हो सकती है, ठीक है। तो ये भी वन वे इज टू इंट्रोड्यूस पीस रेट, तो ये एक लेवल वन नॉलेज है। अच्छा, पीस रेट है। अब मैं आगे लिख देता हूं कि एज वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो ये भी क्या कर रहा हूं मैं यहां पर भी क्या मुझे लेवल वन नॉलेज ही मिलेगा। ये सारा कुछ आप कोई एडवांटेज हाईलाइट करते हैं, आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कोई फैक्टर जैसे मैंने पीस रेट लिखा, तो ये क्या है, लेवल वन नॉलेज। अच्छा, और ये कहाँ रिक्वायर्ड है आपको, हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन वाला, इसमें लेवल वन नॉलेज ही चाहिए है और उसके दो नंबर हैं, इसका मतलब है, लेकिन यहां पर चूंकि डिफाइन का वर्ड लिखा हुआ है तो अब आपका लेवल वन नॉलेज एक ही हो सकता है और वो है डेफिनेशन। आप कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं कर सकते, आप कोई एडवांटेज मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पूछ लिया है, कमांड वर्ड डिफाइन आ गया, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैंने वैसे तीन तरीके बता दिए आपको लेवल वन नॉलेज के क्या होते हैं, यहाँ पर लेवल वन नॉलेज डेफिनेशन होगी और दो नंबर उसी के हैं। अच्छा, ये बात हमारी हो गई। अच्छा, इसी तरह आगे अगर हम चलते हैं, मैं दोबारा ग्रेड पे आऊंगा, ये तो मैंने आपको दो नंबर वाली बात तो बता दी, अब आगे चलते हैं तीन नंबर पे, पेपर वन और टू में, क्योंकि दो नंबर का सवाल ना पी टू में नहीं आता, ये पी वन में ही आता है। पेपर वन और टू में आगे आता है तीन नंबर का सवाल, जो शुरू होता है कमांड वर्ड एक्सप्लेन से, कितने का, तीन नंबर का। अच्छा, इसमें आपको क्या चाहिए होता है, लेवल वन नॉलेज और लेवल टू एप्लीकेशन। अब लेवल वन नॉलेज तो आपको पता है पहले क्या होता है, फाइन, उसमें तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ, इसकी भी एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये पेपर में सवाल जो आया हुआ है इसी को पकड़ लेते हैं, एक्सप्लेन वन एडवांटेज लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटा कलेक्शन यूजिंग प्राइमरी रिसर्च इज दैट डेटा विल बी अप टू डेट। अब ये क्या है, डेटा विल बी अप टू डेट, मैंने मेंशन कर दिया कि ये लेवल वन नॉलेज है। अब तीन नंबर मिलते कैसे हैं, आपको ये भी अच्छे से पता है तीन नंबर कैसे लेने हैं आपने, इसमें आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, एक नंबर नॉलेज का है लेकिन कौन सा, लेवल वन नॉलेज। वो आप कैसे लेते हैं आपकी मर्जी है, आप प्राइमरी रिसर्च की डेफिनेशन देना चाह रहे हैं जरूर दे दें, आप प्राइमरी रिसर्च का एडवांटेज मेंशन करना चाह रहे हैं जरूर कर दें,
लेवल वन। लेकिन नॉर्मली ना डेफिनेशन की यहाँ जरूरत नहीं होती 3 नंबर में, क्यों? क्योंकि आपने एडवांटेज तो मेंशन करना ही है, तो क्यों 2 दफा लेवल वन शो करें? आप लेवल वन 4 दफा भी शो कर देंगे तो नंबर तो लेवल वन नॉलेज का एक ही है, वो एक ही मिलना है, तो एक ही जगह एक ही दफा शो करें, बेहतर ही है। अच्छा, लेवल वन नॉलेज तो आ गया, साथ इसमें आगे क्या आता है हमारे पास? 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। ये कैसे मिलेंगे? इसके लिए क्या चाहिए आपको? लेवल टू, एप्लीकेशन का लेवल टू। अब ये क्या है, अब इसको भी समझ लेते हैं हम जरा जल्दी से कि लेवल टू क्या है। इसी सवाल को मैं पे फोकस करूंगा, लेवल टू एप्लीकेशन, लेवल टू एप्लीकेशन। अच्छा, ये सवाल है, एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू अ बिजनेस। क्या यहाँ पर हमें किसी बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया भी हुआ है, आपने जरूर मेरी वीडियो देखी होगी चैनल पे, जब कॉन्टेक्स्ट ना दिया हो तो एप्लीकेशन के नंबर है भाई, तो कॉन्टेक्स्ट डालो, कॉन्टेक्स्ट को ऐड करो। तो यहाँ पर जैसे मैंने लाइव सॉल्यूशन में भी बताया हुआ आपको कि प्राइमरी रिसर्च, आप यहाँ पे बताएं कि प्राइमरी रिसर्च मेथड इज यूजफुल फॉर सच बिजनेस। अब यहाँ एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? आपने लिखा प्राइमरी रिसर्च मेथड इज यूजफुल फॉर दोज बिजनेसेस वेयर एनवायरमेंट इज डायनामिक। मतलब क्या? ऐसा बिजनेस जिसका एनवायरमेंट तेजी से चेंज होता है, तो वहां पर प्राइमरी रिसर्च इंपॉर्टेंट है। मैंने ये लिखा, ये क्या है मुझे जरा बताएं। आई रिपीट, मैं कह रहा हूं कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी रिसर्च इज अप टू डेट कलेक्शन ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन विच इज क्रूशल फॉर अ बिजनेस विच ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। मुझे ये मैंने डायनेमिक एनवायरमेंट अपने पास से एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, ये एप्लीकेशन है। ये कौन सी एप्लीकेशन है? इसको हम बोलते हैं लेवल वन एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर, आप चलो हम कर रहे हैं काम तो यहाँ करता भी जाता हूँ साथ साथ, ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए। सवाल वही है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये देखें। अच्छा, ये 2 पीपल वेटिंग इन द रूम है, देख लो कौन से हैं। ये एक जैसे पैन साहब है, और कौन है? आई डोंट नो कौन है, बहर एनीवे। अच्छा, अब देखें गौर करें, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, वही कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी रिसर्च इज कलेक्शन ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ये क्या हुआ? ये अभी तो मैंने ये है लेवल वन नॉलेज, ऐसे ही है ना, मैं इसको यही बोलूंगा ना, लेवल वन नॉलेज, ठीक है? लेवल वन नॉलेज, ठीक है, ये तो हमें समझ आती है कैसे होना है। ओके फाइन, आगे इसको मैं आगे कर रहा हूं, एंड दैट इज क्रूशल फॉर अ बिजनेस दैट ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक एनवायरमेंट, ये क्या हुआ? ये मैंने शो कर दिया लेवल वन एप्लीकेशन, कॉन्टेक्स्ट बनाया ना, लेवल वन एप्लीकेशन आ गई। तो मुझे अभी 1 नंबर नॉलेज का मिल गया, 1 नंबर एप्लीकेशन का मिल गया, लेकिन एप्लीकेशन के 2 नंबर है, तो मुझे डेवलप करना है एप्लीकेशन को। अब डेवलप करने का मतलब यानी कि लेवल टू पे जाना है ना, लेवल टू एप्लीकेशन का मतलब होता है डेवलप्ड एप्लीकेशन। अब मैं लिख रहा हूं आगे, द रीजन इज, अब मैं डेवलप कर रहा हूं ना, लेकिन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, द रीजन इज डेटा बिकम्स आउट ऑफ डेट क्विकली, ठीक है ना, डेटा बिकम्स आउट ऑफ डेट क्विकली, सो अप टू डेट इंफॉर्मेशन इज ऑल इज is required every time, is required every time when business is planning to take a decision. That's it. ये क्या हुआ? मैंने वो जो application थी dynamic environment की, मैंने उसको अपनी development में इस्तेमाल करके further बताया कि जी dynamic environment, अगर business dynamic environment में है तो उसके लिए बहुत crucial है primary research। वो क्यों क्रूशल है? तो मैंने रीजन दे दिया कि भाई वो इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी जो है डेटा आउट ऑफ डेट हो जाता है,
तो इसलिए आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्या हुआ, यहां मैंने हासिल कर लिया Level 2 एप्लीकेशन। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों का ये भी ख्याल होता है कि सर शायद अगर एप्लीकेशन के 2 नंबर लेने हैं तो Level 1 एप्लीकेशन पहले डालें और फिर Level 2, जरूरी नहीं है। आप अगर Level 2 डायरेक्ट एप्लीकेशन भी बता देते हैं, वैसे तो तरीका यहां पर तो यही नजर आया, मैंने पहले Level 1 एप्लीकेशन बताई और फिर Level 2 पे गया। जरूरी नहीं है कि आप Level 1 पे जाएंगे तो 2 पे जाएंगे, आप डायरेक्ट Level 2 पे भी बात कर सकते हैं कि डेवलप करते करते आपने एनवायरमेंट का भी डिस्कस वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बताया, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि मुझे Level 1 भी दिखाना था तो मैंने Level 1 बताया है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, आपको अब नंबर किस तरह मिलेंगे, अब दोबारा वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा बी पार्ट। तो बी पार्ट में 1 नंबर नॉलेज का, 2 नंबर एप्लीकेशन के, लेकिन 2 नंबर एप्लीकेशन के कैसे मिलेंगे, याद रखें इसके 2 लेवल हैं, Level 1 Level 2। Level 1 एप्लीकेशन का 1 नंबर है और Level 2 एप्लीकेशन का भी 1 नंबर है। अच्छा अब आप कहें सर इसका मतलब है कि अगर हम खाली Level 2 कर देंगे तो हमें एक ही नंबर मिलेगा, द आंसर इज नो। मतलब अगर आपने Level 1 एप्लीकेशन की है जैसे मैंने आपको दिखाया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने Level 2 एप्लीकेशन नहीं की हुई, डेवलप नहीं किया, जिसे डेवलप्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, आपके 3 में से 2 नंबर आएंगे। अच्छा और लेकिन अगर आपने Level 2 एप्लीकेशन भी कर ली तो फिर आपके पूरे नंबर 2 आ गए, 1 नंबर Level 1 एप्लीकेशन का, 1 नंबर Level 2 का। अब जो मैंने अभी सवाल किया, अगर आप Level 1 नहीं करते और डायरेक्ट Level 2 कर देते और Level 2 में आपने एनवायरमेंट का बताकर एक सेंटेंस में उसको डेवलप कर दिया तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। याद रखें Level 2 पे वही बच्चा पहुंचता है, एग्जामिनर इस तरह कंसिडर करता है कि भाई ये Level 2 पे गया है तो Level 1 तो हो गया, Level 2 Level 1 के बगैर होता नहीं ना, मतलब आपको Level 1 डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप Level 2 डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो इसका मतलब है Level 1 उसमें शामिल है, क्योंकि आप जब कोई कॉन्टेक्स्ट को डेवलप कर रहे हो, अगर एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो बता ही रहे हो ना आप उसमें। तो ये याद रखना है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है कि Level 1 पे जाएंगे फिर 2 पे जाएंगे, नो, Level 2 डायरेक्ट करेंगे सीधे 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आपने खाली Level 1 किया, Level 1 क्या है बता दिया, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आपने मेंशन कर दिया तो वो Level 1 है। अच्छा ये मैंने आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, वापस वहीं चले जाते हैं, कहाँ पर थे हम, यहाँ, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हमें 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, मैंने Level 1 नॉलेज भी शो कर दिया, Level 1 एप्लीकेशन और Level 2 एप्लीकेशन, हमें Level 1 एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी, दोबारा बता रहा हूँ, हमें 3 नंबर कैसे लेने हैं, एक Level 1 नॉलेज शो करके 1 नंबर और Level 2 एप्लीकेशन शो करके 2 नंबर। तो Level 1 को निकाल दो बेशक बीच में से, ना करो, Level 2 पे आ जाओ डायरेक्ट, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, यानी कि आपको डेवलप करना है, ये बहुत जरूरी है इसका मतलब है। तो अगर मैं डायरेक्ट Level 2 पे कैसे आ सकता हूँ, उसका ये तरीकेकार है कि मैं ये डायनेमिक एनवायरमेंट जो है इसके लिए अलग लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी डेवलपमेंट में ही मेंशन कर दूं, ठीक है, कि द रीजन इज इन ए डायनेमिक एनवायरमेंट। मैं इसको हटा के आपको बताता हूँ, जैसे मैं अगर Level 1 इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो ये मैं Level 1 एप्लीकेशन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं Level 2 में 2 नंबर कैसे ले रहा हूँ, Level 2 क्या है, द रीजन इज इन केस ऑफ डायनेमिक एनवायरमेंट डेटा बिकम्स आउट ऑफ डेट क्विकली, खत्म बात। मैंने ये Level 2 में ही सारा कुछ कवर हो गया, अब जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है मुझे Level 1 नॉलेज सॉरी Level 1 एप्लीकेशन शो करने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी तरीका ठीक है, ये आपको ये भी मैंने समझाना था, लेकिन Level 1 बताना था ना होता क्या है एप्लीकेशन का। जी किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं मुझे, एनीवन, कोई क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये अच्छे से अटेंड कर लिया और समझ लिया तो होगा क्या, हमने इसके बाद जाना है पास पेपर्स पे, तो पास पेपर्स पे हम इसी यही बात किया करेंगे, जी इसका Level 2 क्या होगा, इसका Level 1 क्या होगा, तो वो फिर आप भी बताएंगे, मैं भी साथ साथ शेयर करूंगा, तो बहुत ज्यादा हेल्दी अगर डिस्कशन होगी तो आपको कंप्लीट कमांड हो जाएगी पेपर के ऊपर, क्योंकि खाली नॉलेज आपको होने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको ये नहीं पता कि Level 1 Level 2 क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। अच्छा तो मैं वही बता रहा हूँ, मारिज आपका क्वेश्चन है तो आपने ये करना है कि मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्लास, इसको चैनल पे डाल दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा, अगर फिर भी समझ ना आए
तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकती हैं। या मैंने एक और बात बताई थी, क्लास के एंड पे भी मैं थोड़ी देर स्टे कर सकता हूँ अगर कोई बच्चा चाहे तो, और हम फिर डिस्कस कर सकते हैं क्लास से रिलेटेड या जो भी इशू है उसका। अच्छा, तो आई अज्यूम कि सबको समझ आ गई है इसकी, ठीक है? और जिनको नहीं आई वो मुझसे क्लास के एंड पे भी पूछ सकते हैं, और वीडियो तो मैं ऑफ कोर्स डालूंगा ही बाद में। अच्छा ओके, क्योंकि मानी जी आप चले गए थे ना, आई नो दैट, मैंने इसलिए आपका अभी जवाब नहीं दिया क्योंकि आप वो चले गए थे असल में, तो मुझे पता आपका मिस हो गया। आगे चलते हैं। तो हमने क्या कर लिया कवर, हमने किया कि अगर पेपर वन और टू में एक्सप्लेन का क्वेश्चन आता है जो हमेशा 3 नंबर का होता है, तो लेवल नॉलेज का 1 नंबर होता है और उसमें लेवल वन चाहिए होता है, एप्लीकेशन का भी 1 ही नंबर होता है जिसमें सॉरी एप्लीकेशन के 2 नंबर होते हैं जिसमें लेवल टू चाहिए होता है। लेवल वन नॉलेज क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और लेवल टू एप्लीकेशन क्या होती है मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा एक चीज मैं साथ साथ और बताता चलूं। अच्छा अभी हम चूंकि लेवल वन नॉलेज पे ही हैं, हम लेवल टू नॉलेज भी होता है। लेवल टू नॉलेज क्या है कि आप अपने पॉइंट को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि अभी लेवल टू नहीं आया तो मैं लेवल टू नॉलेज के बारे में नहीं बता रहा आपको अभी, इस वक्त आएगा तो फिर बताऊंगा। अच्छा अब मैं आपको दिखा भी दूं पेपर से भी। अच्छा देखो ये हम ना, ये P1 था, ठीक है? तो P1 में हमने देखा ना कि ये सवाल था 3 नंबर का, एक्सप्लेन से शुरू हो रहा है, ठीक है? मैं साथ में P2 भी दिखा देता हूँ। ये देखो क्या P2 में सवाल शुरू नहीं हो रहा, ये देखो 3 नंबर का एक्सप्लेन से, तो दोनों सेम है, दोनों में सेम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, एक नॉलेज का लेवल वन और 2 एप्लीकेशन के लेवल टू, तो आपको ये करना है। तो यहाँ पर आपको लेवल टू के लिए सोल ट्रेडर को फर्दर डेवलप करना पड़ेगा। बहरहाल हम अभी जब 5 पेपर जाएंगे तो फिर हम वहां और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे जाना है, वहां पे आंसर दिए होंगे और मैं आपसे पूछूंगा बताएं इसमें ये कौन सा, ये क्या चीज शो हुई है, मतलब ये नॉलेज है एप्लीकेशन है और ये लेवल कौन सा है, ये बताना जरूरी है। तो ये हम जब करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलनी है चीज। अच्छा तो आगे हम चलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, तो ये हमारा कवर हो गया ये वाली बात भी कि पेपर वन और टू में आप 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब हम आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन P2 में नहीं होता तो ये सिर्फ P1 में होता है, तो हम P1 को देख रहे हैं और शुरू होता है एनालाइज से, और 5 नंबर होते हैं इसके, तो नॉलेज के कितने नंबर दिए हैं इसमें, 1 नंबर है लेवल वन, यानी कि वही डेफिनेशन शो कर दो, कोई एडवांटेज आपने हाईलाइट कर दिया, आपको 1 नंबर मिल गया और लेवल वन नॉलेज आ गया आपका। अच्छा फिर एप्लीकेशन का लेवल टू है, आपको बताया जैसे मैंने कि आपको एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है और उसको डेवलप भी करनी है। फिर आ जाते हैं एनालिसिस पे, अब यहाँ एनालिसिस भी आ गया, एनालिसिस के भी 2 नंबर हैं और एनालिसिस लेवल टू का ही चाहिए है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि एनालिसिस लेवल टू का चाहिए तो लेवल वन एनालिसिस क्या होता है, वो बात तो करनी है ना। वैसे लेवल वन एनालिसिस कहीं नहीं चाहिए होता, हमेशा लेवल टू ही चाहिए होता है, लेकिन आपको पता तो होना कि यार मैंने तो लेवल वन ही किया है, मुझे पूरे नंबर नहीं मिलने, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर किस तरह मिलते हैं, जैसे आपको पहले बताया 1 नंबर नॉलेज का, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस, लेकिन और क्लैरिटी दे रहा हूँ, नॉलेज का 1 नंबर लेवल वन से मिल जाएगा, एप्लीकेशन के 2 नंबर लेवल टू से मिलेंगे। आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें, आप जब तक उसे डेवलप नहीं करेंगे, अपने आर्गुमेंट की डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेवल टू अचीव नहीं होगा और आपको वो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा लेवल टू एप्लीकेशन के नंबर कैसे हैं, लेवल वन एप्लीकेशन का 1 नंबर और लेवल टू एप्लीकेशन का 1 नंबर। दोबारा बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको 2 नंबर के लिए लेवल वन अचीव करना जरूरी है, आप डायरेक्ट लेवल टू बता दें, जैसे मैंने बताया आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जिसको नहीं हो रहा लेवल टू, जिससे नहीं हो रहा लेवल टू ना, लेवल वन तो बताया ना, वो कम से कम 1 नंबर तो मिले। अच्छा तो 2 नंबर एप्लीकेशन के, इस तरह आगे आते हैं एनालिसिस पे लेवल टू। अब ये क्या चीज है जरा इस पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट इसको जरा मैं गायब कर दूं जी। अच्छा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक्सप्लेन हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, ठीक है? मैंने लिखा इंक्रीज, एक्सप्लेन हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, बहुत छोटा सा सवाल रखा हुआ मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एनालिसिस क्या है।
अच्छा, आप क्या बता रहे हैं इसमें? आपने ये बताया, या मैं अगर इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ ताकि और आसान हो जाए, एक्सप्लेन हाउ टू मेक आ बिजनेस, या चलो मैं एक और वही सवाल ले लेता हूँ, एक्सप्लेन हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यही सवाल रखते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी, ये सवाल है। अब मैंने एनालिसिस करना है, मैं सिर्फ एनालिसिस की बात करूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पीस रेट कैन बी गिवन। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पीस रेट कैन बी गिवन, ये क्या है? कोई मुझे बच्चा बता सकता है ये मैंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? ये एप्लीकेशन है, नॉलेज है, या एनालिसिस है? एनीवन को बता सकता है? अच्छा, मैं नॉलेज नॉलेज, वेरी गुड, यस, ये है नॉलेज लेवल वन। मैंने बता दिया कि प्रोडक्टिविटी पीस रेट से हल हो सकती है, पीस रेट कैन बी गिवन, ये नॉलेज है। बहरहाल हमने नॉलेज पे तो नहीं रहना, लेकिन आपने तो, हमने तो एनालिसिस की बात करनी है। अच्छा आगे मैं कर रहा हूं, एज वर्कर्स विल बी प्रोड्यूसिंग, एज वर्कर्स विल बी गेटिंग मोर व्हेन दे विल प्रोड्यूस मोर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हुआ, अब ये मैंने आगे उसको डेवलप किया कि प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी पीस रेट से, ये वजह। अच्छा अब हुआ क्या, मैंने एक कनेक्शन बनाया। आपने याद रखना है जो एनालिसिस होता है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, ये आपने बात याद रखनी है। एनालिसिस क्या होता है जी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी मैंने कितने इफेक्ट बताए हैं, मैंने मैंने पीस रेट बताया, तो पीस रेट का कितने इफेक्ट बताए हैं? सिर्फ एक, कि पीस रेट से क्या होगा कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है लेवल वन नॉलेज, सॉरी लेवल वन एनालिसिस, लेवल वन एनालिसिस, कि मैंने सिर्फ एक इफेक्ट बताया, यानी कि मैंने चेन नहीं बनाई। अगर आप चेन नहीं बना रहे, चेन ऑफ एनालिसिस नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप लेवल वन पे खड़े हैं, आपने एक इफेक्ट बता दिया और रुक गए। अब आपने कोई दूसरा पॉइंट नहीं बताना, आपने इसी को आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, अच्छा मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज, ये प्रोडक्टिविटी लिखा, अब मैं क्या करूँ आगे, मुझे लेवल टू चाहिए, तो दे विल प्रोड्यूस मोर। अच्छा क्या होगा आगे, आगे मैं क्या लिखूं, वो बता सकता है मुझे कि मुझे आगे इसको मजीद डेवलप करना है लेवल टू एनालिसिस के लिए? कॉन्सिक्वेंटली मैं आगे लिखता हूं, चले आपको नहीं पता, अगर कॉन्सिक्वेंटली वर्कर्स वोंट वेस्ट टाइम एंड यूटिलाइज देयर टाइम इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। हर वर्कर ये करेगा, क्योंकि हमने तो प्रोडक्टिविटी की बात करनी है ना, आउटपुट पर वर्कर, हमने आउटपुट की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट पर वर्कर। तो मैंने कहा कि वर्कर, पहले मैंने क्या बताया कि वर्कर जो है ना वो उनको ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो आगे मैंने लिख दिया, तो वर्कर, अब कॉन्सिक्वेंटली ईच वर्कर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईच, मैंने वर्कर लिख दिया सॉरी, ईच वर्कर वोंट वेस्ट टाइम एंड यूटिलाइज हिज और हर टाइम इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो मैंने लेवल, अब ये मैंने बना दिया। अच्छा हम आगे भी जा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी से क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट, ये चेन ऑफ एनालिसिस है, लेकिन सवाल ये नहीं था ना, सवाल तो प्रोडक्टिविटी का था, लेकिन मैंने दो को तो कनेक्शन बना दिए ना, तो चेन तो बन गई। ठीक है, अगर मैं फर्दर आगे करूं कि हायर प्रोडक्टिविटी वुड लीड टू लोअर कॉस्ट एंड हेंस हायर प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस,
ये प्रॉपर चेन ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। ये भी ये लेवल टू ही है, ठीक है। ये क्या है? लेवल टू एनालिसिस, ठीक है जी, कि चेन ऑफ एनालिसिस के साथ। लेकिन इस सवाल में आपका जो है ना वो लेवल टू, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन डाली है, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? सवाल ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। अगर सवाल आपको आता है तो कोशिश करें कि अपनी डेवलपमेंट को टेक इट टू द वेरी एंड, उसको एंड तक जोड़ें सेल्स और प्रॉफिट के साथ। ये आपके एनालिसिस को कंप्लीट करता है, चेन आपकी अच्छी बन जाती है, एग्जामिनर खुश होता है और मैक्सिमम नंबर देता है। तो ये आपका लेवल टू इस तरह से बनता है, ठीक है जी। तो लेवल टू एनालिसिस है चेन ऑफ एनालिसिस के साथ। अच्छा, अब वापस चलते हैं। ये सवाल हमने देख लिया, सॉरी हम यहां पर थे। ये तो हमने देख लिया कि एनालिसिस लेवल वन क्या होता है और लेवल टू क्या होता है। हमारा ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा चैट में कोई पूछ रहा है लेवल वन नॉलेज, मलाइका ने कहा है कुछ एज ए रिजल्ट। अच्छा मलाइका, ये जो एज ए रिजल्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं जो चैलेंज दिया हुआ उसमें भी मैंने ये बच्चों के क्वेश्चन दिया हुआ है कि कनेक्टिव इस्तेमाल करना जरूरी होता है चेन ऑफ एनालिसिस में। आप एज ए रिजल्ट, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, लीडिंग टू, ये आपको बताते हैं कि यू आर फर्दर इनटू डेवलपिंग योर पॉइंट। और ये जरूरी है किसके लिए? लेवल टू एनालिसिस अचीव करने के लिए। अगर आप ये कनेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप पॉइंट डेवलप नहीं कर रहे, आप ढेर सारे पॉइंट बीच में मिक्स करते जा रहे हैं और आंसर तो लंबा होता जा रहा है लेकिन चेन नहीं बन रही, तो आपको लेवल टू एनालिसिस कभी उसके नंबर मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर लेवल टू एनालिसिस के कितने नंबर हैं? अभी आपको बताया मैंने ना, ये देखो 5 नंबर है ना, तो 5 में से एक तो नॉलेज क्या है लेवल वन, 2 एप्लीकेशन की है लेवल टू, और 2 एनालिसिस की है लेवल टू। यानी कि अगर आपने एक इफेक्ट शो किया यहाँ पर इस सवाल में, तो आपको लेवल वन एनालिसिस का 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने चेन ऑफ एनालिसिस बना दिया तो लेवल टू। तो अब वही बात, आप जब चेन बनाएंगे तो लेवल वन तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया ना, तो वही बात, लेवल वन से लेवल टू नहीं होता आपको। तो आपने जब लेवल टू अचीव कर लिया तो ऑफ कोर्स लेवल वन उसमें शामिल है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर अभी तक? कोई है तो बता दे, कोई नहीं है, ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं। अच्छा आगे हम इससे पहले कि मैं आगे चलूं अगले क्वेश्चन पे, 8 पे, मेरा ख्याल है कि 3 मिनट गालिबन रह गए हैं, और आगे से मैं सोच रहा हूँ कि आई एम प्लानिंग टू यूज गूगल मीट, जिसपे 40 मिनट्स की ये सेशन एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन मुझे जरा देखना है कि उसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है और वो कहाँ सेव होती है। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, तो वो जल्दी हो जाएगा। अभी फिर आप ऐसे कर लो कि मैं आपकी एक तो अटेंडेंस लगा दूं और दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे ये बात आज कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। जस्ट अ मिनट, मैं ना आपकी रिकॉर्डिंग मैं देख लूं, सारे बच्चे कितने जो भी आए हैं। ऑल राइट, अब आप क्या करें, जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर दोबारा ज्वाइन